हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड व्लॉग। तो अभी सुबह के 9:17 हो रहे हैं और मैं स्कूल से टेस्ट देके आ गया हूँ। बाकी बहुत बुरा टेस्ट हुआ है मेरा, आज का इंतहाई बुरा हुआ है टेस्ट, बस नाम का ही टेस्ट देकर आया हूँ। तो अभी फ़िलहाल तो मैं कमरे की सफ़ाई कर लूँ सारे, क्योंकि इतवार को करनी थी, हफ्ते को भी करनी थी, इतवार को भी करनी थी, नहीं की सफ़ाई। तो आज पीर है तो आज सफ़ाई कर लूँ, फिर अपना बैठ के पढ़ता हूँ। वैसे तो रोज़ा भी है, लेकिन अब क्या करूँ, रोज़ ही रोज़ा होता है, तो सब कमरा गंदा लग रहा है अपना, इसलिए सफ़ाई करनी है मुझे। मैं जल्दी से सारी पहले डस्टिंग करूं, सारी चीज़ें साफ़ करूं और फिर उसके बाद झाड़ू पोछा लगाना है। गाइस, सफाई तो मैंने कर ली है, देखें। और ये हमारा कूलर सामने पड़ा हुआ है, एयर कूलर। तो अभी फ़िलहाल तो मैं अपना पढ़ लूं, बाकी नहाऊंगा बाद में ना, क्योंकि अभी फ़िलहाल दिल नहीं कर रहा नहाने का। अभी गाइस 3:46 हो रहे हैं, तो अभी मैं अपना मतलब मैंने नहा लिया है, बाकी पढ़ भी मैंने काफ़ी लिए हैं, बस 3-4 लॉन्ग याद करने वाले रह गए हैं और बाकी यादें जो वो मैंने कर ली हैं। तो अभी फ़िलहाल तो मैं गोश्त ले आऊँ जाके, क्योंकि आज बिरयानी बनानी है हम लोगों ने ना, तो उसके लिए मैं गोश्त ले आऊँ, दही भी लेके आना है। बाकी बाहर गर्मी भी बहुत है, लेकिन अभी मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि फिर बाद में टाइम नहीं होता इतना। अभी गाइस मैं गोश्त ले आया हूँ और दही भी लेकर आया हूँ। तो अभी फ़िलहाल तो बिरयानी बनाने लगे तय वाली आज। तो अभी ये देख लूँ प्याज ब्राउन हो जाए, पहले सालन बनाना है, फिर उसके बाद चावल उबाल के फिर तय लगा देनी है, जैसे कंबल को तय लगाते हैं बिस्तरों का। तभी प्याज ब्राउन हो जाए, फिर उसके बाद इसमें नमक मिर्च और ये अदरक लहसुन का पेस्ट, ये सब कुछ डालना है। तो अभी चावल भी उबल चुके हैं और सालन भी पक चुका है, तो बस तय लगाने की बारी आ गई है। अभी तय लगा देता हूँ चावलों को और बस फिर उसके बाद क्या, तय लग जाएगी, फिर उसके बाद पक जाएंगे, फिर खा लेंगे हम लोग रोज़ा खोल के। तो अभी गाइस बिरयानी बन चुकी है और मैंने दम पे हटा दिया है, काफ़ी देर से हटाया था, तो अभी मैंने दम खोल दिया, तो काफ़ी अच्छी बनी है बिरयानी, क्योंकि आज नानजी ने बनाई है ना इसलिए। तो अभी फ़िलहाल तो मैं जाके अपना पढ़ लूँ थोड़ा बहुत, और उसके बाद फिर अपना समोसे और रोल लेके आने, फिर वो लेके आऊँगा, क्योंकि आज अफ्तारी नहीं बनानी, घर पे नहीं बनाने का दिल कर रहा। आगे इतने बर्तन खिलर गए थे, ये देखें, ये सारे धोए नानजी ने। तो अभी कूलर भी चल रहा है और ये शहबाज शरीफ पाकिस्तान के नए वज़ीर आज़म मुंतखब हो चुके हैं, ये देखें, अपनी गुफ्तगू इन्होंने जारी रखी है। तो अभी मैं समोसे और रोल लेने जा रहा हूँ और अभी फ़िलहाल तो 5:40 हो चुके हैं, तो 6:30 रोज़ा खुलेगा वैसे तो, क्योंकि हर रोज़ एक एक मिनट दो दो मिनट बढ़ते जा रहे हैं और सहरी के मतलब सहरी के टाइम कम हो रहे हैं और अफ्तारी के टाइम बढ़ रहा है टाइम ना। तो अभी फ़िलहाल तो मैं जल्दी से जा कर ले आऊँ समोसे और रोल। तो अभी गाइस मैं समोसियाँ और रोल ले आया था, तो ये रही समोसे और रोल, तो ये है स्क्वैश और बाकी ये बिरयानी जो बनाई थी। तो अभी फ़िलहाल तो टाइम हो रहा है अफ्तारी का, तो हम लोग अफ्तारी कर लें। बाकी हम लोग टीवी लगाया होता है हम लोगों ने, क्योंकि एयरवे डिजिटल वाले बता देते ना कि इस टाइम लाहौर में अफ्तारी का टाइम हो चुका है। तो ये देखें आ चुका है कि लाहौर में अफ्तारी, दिखाता हूँ। अब आएगा हमारे लाहौर का, जो शख्स ईमान और इख़लास और सवाब की नीयत से रोज़े रखे तो उसके सबका गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। चले गाइस अफ्तार का वक्त हो चुका है, तभी हम लोग अफ्तार कर लें। तो भी गाइस 10:03 हो रहे हैं और अफ्तारी कर ली थी मैंने, तो अभी फ़िलहाल तो अपना पढ़ भी लिया मैंने बैठ के, तो अभी बहुत नींद आ रही है मुझे, क्योंकि मुझे सुबह सहरी के टाइम 3:00 उठना है, 3:30 उठना है, क्योंकि 4:15 तक टाइम ख़त्म हो जाता है इसलिए ना। तो अभी फ़िलहाल तो मैं जब सोना है तो ब्लॉग को एंड ही करना है, तो इस ब्लॉग को एंड करता हूँ। आई होप आपको ये पसंद आएगा, अगर पसंद आए तो लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, आप तब तक ख्याल रखिएगा, हाफिज़ सारा।